हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा यूके का वीज़ा अप्रूव हुआ है, विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा नहीं हुआ। जो हम बात करने वाले इस वीडियो में है कि उनके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे थे, उनकी एज क्या थी, कितने टाइम का उनको वीज़ा मिला था, सभी एक्सपीरियंस 2022 का वीज़ा इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, नए एक्सपीरियंस नए डॉक्यूमेंट के साथ। जो उनकी प्रोफाइल है सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ये अदर आप लोगों की इंक्वायरी है, सो भाई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भाई हमको इस कंट्री का बताओ, उस कंट्री का। भाई लोग, आप सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, मैं आप सभी लोगों को वहीं पर एक्टिव रहता हूँ, जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा आपका। जो भी आपकी अदर इंक्वायरी होगी, मैं आपके साथ नंबर भी शेयर कर लेता हूँ इंस्टाग्राम पर। सो जो यूट्यूब के कमेंट्स है वहाँ पर मुझे नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि मैं काफ़ी लेट देखता हूँ यूट्यूब के कमेंट्स। फिर भी मैं आपको रेकमेंड करता हूँ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, वहीं पर मुझे जो भी आपकी इंक्वायरी है मैं आप सभी लोगों के वहीं पर डाउट क्लियर कर सकता हूँ। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूके का वीज़ा जो अप्रूव हुआ उसका कितने टाइम का वीज़ा मिला था। सो उनको वीज़ा मिला था 6 मंथ का वीज़ा मिला था, 180 दिन का वीज़ा मिला था, जो मल्टीपल एंट्री के साथ वीज़ा है, विजिटर वीज़ा सी कैटेगरी में। तो उनका वीज़ा अप्रूव हुआ था 5/1/2022 में, मतलब 5/1 में वीज़ा आया था 2022 में। सो उनका वीज़ा वैलिड हुए 5/7/2022। सो आंटी जी का जो वीज़ा है उसका एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। इनका बेटा है, वो रहता है यूके में, सिटीज़न है, ठीक है। उन्होंने अपनी मदर को इनवाइट किया हुआ कि मैं अपनी मदर को मिलना चाहता हूँ, एक इनविटेशन लेटर भेजा हुआ यूके से, एक उन्होंने बैंक स्टेटमेंट अपनी भेजी है वहाँ पर जो टैक्स पे करते हैं वो भेजा हुआ है, और उन्होंने अपना रेजिडेंट प्रूफ भेजा हुआ है, ठीक है। ये सभी उनके डॉक्यूमेंट लगे थे जो उनके स्पॉन्सर आई थी उनको, तो इंडिया में उनके डॉक्यूमेंट लगे थे आंटी जी के, 2 साल की ITR लगी थी और बैंक स्टेटमेंट लगी थी और अदर एक CA रिपोर्ट लगी थी और कुछ नहीं लगा था उनका। उनको वीज़ा अप्रूव हुआ है 15 दिन के बीच में वीज़ा उनको आ गया है। एंड ये आप लोग अदर इंक्वायरी है जी, आप लोग सभी जानना चाहते हैं कि यूके का वीज़ा हमें टूरिस्ट लेना है, क्या क्या उसके डॉक्यूमेंट है, कैसे हम वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं, क्यों भाई लोग। मैं आप सभी लोगों को अभी वीडियो मैं एक दी थी कि फ्रांस का वीज़ा आप सभी लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक दी गई है एजेंट की तरफ से कि मैं सभी लोगों को गलत गाइड कर रहा हूँ। जो उसके बीच में बता रहा हूँ कि अपॉइंटमेंट लेटर है, आप अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हो, फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हो, सभी मैं आप लोगों के साथ फुल प्रोसेसिंग शेयर की हुई थी, मेरी वीडियो रिमूव हो गई है, उसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। वीज़ा लगाना चाहते हो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, लास्ट 2 साल की ITR चाहिए आपकी, 3 साल की भी हो जाए चल जाएगी। एंड आपको चाहिए करेंट अकाउंट की स्टेटमेंट, सेविंग अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए आपको, एक होटल बुकिंग चाहिए जो आप अपने क्रेडिट कार्ड से बुक कर सकते हो, एक एयर टिकट चाहिए जो आपको कोई एजेंसी प्रोवाइड करा देगी जहाँ आप क्रेडिट कार्ड से बुक कर सकते हो। एंड आपको फॉर्म चाहिए, आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, बायोमेट्रिक की डेट चाहिए, आप एम्बेसी में जाके फाइल लगा सकते हो। सिर्फ इजी या प्रोसेस है यूके का, आप लोग लगाओ, आपका वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस भी है, रिजेक्शन होने के भी चांसेस है, वो आपकी प्रोफाइल पर करता है कि आप वीज़ा काउंसलर को क्या समझा रहे हो, क्या हो जाने का पर्पस से जा रहे हो। आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए, आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा जी। अगर आपका पर्पस उनको समझ नहीं लगा, आपका वीज़ा रिफ्यूज हो जाएगा। यही 2 ऑप्शन होती है यूके वीज़ा के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू जी। अगर आपको कोई इंक्वायरी है तो मेरे चैनल पर विज़िट ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अदर शेयर कर देना, किसी और भाई की भी हेल्प हो जाएगी। या आप लोगों की इंक्वायरी है इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। थैंक यू।